हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन गुरु नीति के अंडर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑलरेडी इसके दो लेक्चर हो चुके हैं गुरु नीति के। ये जो अपना टॉपिक है इसके बहुत सारे यूजेज आते हैं नेक्स्ट जितने भी टॉपिक है उसके अंदर। मैं हूँ भगवत सिंह और मेरे साथ हैं पटेल सर। तो अपन मैं और पटेल सर मिलकर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है उसके सारे कवर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल पी इज इनिशियली एट द डिस्टेंस डी। डिस्टेंस आपको गिवन है, इट इज 60 मीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ। ये कोई फिक्स पॉइंट है, जैसे मैं ड्रॉ करता था रेडी फिक्स पॉइंट ओ। द पार्टिकल पी मूव विथ वेलोसिटी, ये आपको पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है कोई पी की। वेयर पी ओ इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम पी टू ओ। जैसे सपोज, क्योंकि इन्होंने आई और जे के दिया है तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। डेट वी हैव एक्स कोऑर्डिनेट एंड दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। ओके, इनिशियली पीओ इज परपेंडिकुलर टू आई। हालांकि मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था सर शायद। हाँ, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है जो पीओ यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू आई वेक्टर है। हाँ। तो मैंने इसको ओ यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग उन्होंने बोला है कि लेट यदि पार्टिकल पी यहां पर आता है, तो सर इन्होंने ये दिया है कि वेलोसिटी की एक जो डायरेक्शन है वो तो है आई डायरेक्शन में। हाँ, ये तो कंफर्म है हमारे लिए, ये हमारे लिए कंफर्म है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो इसको मैं सर मैं लिख लेता हूँ 3। ठीक है, दूसरी इन्होंने एक बोला है कि वेलोसिटी है 5 पी ओ, मतलब ये हुआ कि पी से ओ की तरफ ये डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारी है, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब आपको पूछा है फाइंड द टाइम इन द सेकंड आफ्टर विच पॉइंट पी मीट पॉइंट क्यू। ये बोला है कि पॉइंट पी है, पॉइंट पी सर शायद यहां से स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये पॉइंट पी है। हाँ, ये पॉइंट पी है, यहां से स्टार्ट हुआ है और किस टाइम पर वो से मिलेगा, वो से मिलेगा। और सर इसमें इसके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है। अच्छा, डिस्टेंस दे रखी है, तो अपन डिस्टेंस लिख लेते हैं 60 मीटर। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पेज पर इसको। हाँ, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। चलो, डेटा हम लोगों ने लिख दिया है, ये डेटा अपन लोगों ने सर लिख दिया है। हाँ, अब देखो इसमें थीम ये बन रही है मेरे अकॉर्डिंग कि ये जो पार्टिकल है ना, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ये हमेशा ट्राई कर रहा है इसकी तरफ जाने की, मतलब उधर ओ की तरफ आने की कोशिश, ओ की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और ये भी एक चीज है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 ज्यादा है इस 3 से, 3 से ज्यादा, तो मतलब उधर ही जाएगा, तो उधर जाएगा। यदि एंगल सफिशियंट रहा तो उस तरफ जाने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अप्रोच ये रहेगी। एक तो चीज सर ये देख रही है कि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा डिक्रीज हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, एक एंगल अज्यूम कर लेते हैं, लेट ये मैंने एंगल यहां पर थीटा अज्यूम कर लिया, थीटा मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो थीटा इसके अंदर वेरिएबल रहेगा, तो ओपन कर लिया और इसके ऑपोजिट में ये वाला भी एंगल थीटा है, थीटा हो गया। तो एक बात, इनकी डिस्टेंस जो चेंज हो रही है इसको मैं लिख लेता हूं माइनस dr / dt। अच्छा, डिस्टेंस चेंज हो रही है इसलिए आपने माइनस लगा दिया। हाँ, वो डिक्रीज हो रही है ना डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस dr / dt लिख दिया। इसको अपन लिख सकते हैं, इसको सर शायद अपन वेलोसिटी अप्रोच और जो सेपरेशन है उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। एक अपने वो उसमें क्वेश्चन भी है इरिडो के अंदर, जहाँ अपन क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं डॉग वाला और कैट वाला। अच्छा, शायद उसी टाइप की अप्रोच लग रही है मुझे इसके अंदर। तो मैं इसको सर लिख सकता हूँ 5 माइनस 3 कोस थीटा। हाँ सर, आप सही कह रहे हो, वही क्वेश्चन है ये, मतलब ये इसका कंपोनेंट आपने इधर ले लिया। हाँ, और ये इधर ऐसे इसकी तरफ जाता रहेगा और डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो इसको ओपन करते हैं माइनस डी आर इज इक्वल टू 5 डी टी माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा डी टी, डी टी। तो अब यदि इसको अपन इंटीग्रेट का सिंबल ये कर लेता मैं, तो डिस्टेंस डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 0, मतलब कितनी 16 से फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ सर 16, 16 ही लिख लो आप। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 5 टाइम टी। इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसमें जो थीटा है वो भी वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल, टी वेरिएबल है। तो अपन इसको ऐसे रिप्लेस कर देते हैं, 3 इंटीग्रेशन कर लेते हैं cos थीटा into dt। हो सकता है ये अपने बाद में भी काम आए, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल। अच्छा, इसमें दो वेरिएबल आ गए इसलिए हमने ऐसे, हां वो दो वेरिएबल आ गए तो अपन उसको इंटीग्रेट कर, या तो देखो एक ही वेरिएबल था इसलिए इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब एक और इक्वेशन चाहिए अपन को, तो एक सर इसमें ये बोल रहा है ना कि जो दूसरी इक्वेशन की अपन लोग बात करें कि ये लौट के यहीं आ रहा है। अच्छा, तो लौट के आ रहा, तो एक बात तो होगी कि अपन
यदि x x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, हां वो जीरो हो जाएगा, तो उसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहां पर इक्वेशन बना लेते हैं, vx लिख लेते हैं एक टाइम, यहां सीधा लिख लेता हूं sx, तो जीरो आएगा, आपने बता दिया कि sx जीरो रहेगा। हां तो sx जीरो रहेगा, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है? तो ये जो थ्री वेलोसिटी है वो तो है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन जो फाइव है उसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें। तो इसको मैं लिख लेता हूँ सर, जीरो इज इक्वल टू थ्री, थ्री माइनस फाइव कॉस थीटा, फाइव कॉस थीटा डीटी, डीटी का इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये जीरो इज इक्वल टू थ्री टी, थ्री टी माइनस फाइव cos theta dt dt अपने पास यहाँ cos theta था नहीं। अच्छा अब अपन cos theta वहां से रख लेते हैं, इसको रख के फिर मतलब ये खत्म हो जाएगा है? हाँ, तो लग रहा है कि सीधा सीधा हो गया, इक्वल टू फाइव फाइव t माइनस थ्री वहां से रखते थ्री फाइव, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू आई थिंक ये आएगा सर फाइव फाइव। ओके तो ये हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन था, एक जिसमें दो सर चीज यूज हो रही है, एक तो वेलोसिटी अप्रोच का बहुत अच्छा यूज हो रहा है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट कैसे करने क्या नहीं करना है। जैसे अपन दूसरी डायरेक्शन में करते तो साइन वाइन भी आ सकता था, लेकिन अपन को यहाँ कॉस मिला था, कॉस आ गया, तो आपने दो वेरिएबल को मतलब दो वेरिएबल थे उसको दो इक्वेशन बना के दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर। तो सर ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड एट सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट द सेम टाइम ए वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अबव दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट ए हाइट एच हॉरिजॉन्टली विद स्पीड यू, गिवन दैट इन इट्स फ्लाइट बॉल just touch the word at one point, find the distance on the ground where ball strikes. देखो सर, इसमें एक चीज हमें देखनी है कि जो बॉल है ना horizontal, जो बॉल है इसको project करा गया, बॉल को project किया है, हाँ, और मगर जो इसमें जो word है उसको सिर्फ ये एक बार ही टच कर रही है, एक बार टच कर रही है, तो मतलब ये कहा मैक्सिमम हाइट भी टच कर सकती है, मैक्सिमम हाइट भी टच करेगी, तो एक डेटा तो अपने लोग वहां से निकाल लेंगे, जो हाइट हमारे पास एच है, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब इसकी स्पीड हमें दे रही है, ये बर्ड की स्पीड दे रखी है, बर्ड की स्पीड, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है, हाँ, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा हमारे पास प्रोजेक्टर का वो सेम होगा, वो सेम रहेगा, वो अपने लोग यू के बराबर आ जाएगा, यू के बराबर, इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, तो अपन डायग्राम यही बना लें एक बार, हाँ चलो नेक्स्ट पर बता लेते हैं, डेटा को याद होगा थोड़ा सा, हां डेटा एक बार सॉल्व करते हैं सर, देखो कैसे आएगा, जैसे मान लो ये हमें अभी दे रखा है, ठीक है सर, और उसमें हमें यू जो दे रखा है वो दे रखा है बर्ड का, तो अपन लोग बी मान लेते हैं यहाँ पे जिससे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा गया, तो ये थीटा मान लेते हैं, और ये हो गया बी, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ पे एच, अच्छा ये बोला गया है कि एक बर्ड है वो ऐसे फ्लाई कर रहा है, ऐसे फ्लाई कर रहा है, उसकी हाइट आपको दे रखी है एच, एच दे रखी है, मतलब यहाँ पे टच करती है बॉल, टच करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार टच हो रही है, एक ही बार टच हो रही है, तो मतलब मैक्सिमम हाइट पर टच होगी, मैक्सिमम हाइट पर टच होगी, ठीक है सर, हाँ, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये जो कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास, ये तो मैं लिख दूंगा कितना, b cos थीटा थीटा, और ये कितना हो जाएगा v sin थीटा, v sin थीटा आ गया, ठीक है सर, तो और ये जो मैक्सिमम यहाँ पे भी अगर जो बर्ड की जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, u दे रखी है, तो अपन इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या, v cos थीटा को मैं लिख लेता हूँ u, हाँ ये लिख सकते हैं क्योंकि ये जो कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, हाँ ये तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि इधर ना तो कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन दे रहा है, तो ये तो ये हो गया, ठीक है, अब एक डेटा हमें और चाहिए, तो एक डेटा हम लोग एच का लिख लेते हैं, एच का लिख लेते हैं, हाँ जो मैक्सिमम हाइट है एच, हाँ तो उसे लिखो एक बार आप, एच इक्वल टू, एच इक्वल टू यू इज, ये आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्योंकि हमने बी माना हुआ है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी, टू जी, तो यहां से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और हमसे पूछा क्या है इसमें, आप पूछा क्या है, और ये बोला है कि तल पर वह दूरी जहां पर गेंद पक्षी से टकराए, ठीक है, मतलब आपको रेंज पूछी है इसने, आर्बिट पूछा है, हाँ ये लिखा फाइंड द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड वेयर द बॉल स्ट्राइक, अच्छा बॉल कहां स्ट्राइक करेगी, तो रेंज पूछी है, तो रेंज का फॉर्मूला अपन यूज कर लेते हैं, टू टू
u square sin theta cos theta cos theta divided by g। अच्छा तो सर ये हमने फार्मूला लिखा, अब हमारे पास क्या मतलब sin theta cos theta तो है नहीं, sin theta cos है नहीं, तो यहां से यूज कर लेते हैं फिर लोग, आप यहीं से यूज कर लेते हैं। हाँ अब मगर ये जो u है u की जगह पाया जाएगा b, या b आ जाएगा, मैं इसको फार्म लेता हूं v 2v² आ गया हमारे पास। ठीक है तो अब अपन लोग डेटा लिखते हैं, तो इसको सर अपन ऐसे कर लेते हैं r is equal to थोड़ा सा 2 sin theta v cos theta, एक अलग लिख लेता हूं v divided by g। हां उसका लिखने का कारण है कि अपन को v cos और u दे रखा था, मैं वहां सीधे सीधे यूज कर लेता हूं। हां सही है सर। हाँ सही है, एक सर एक डेटा और निकाल सकते हैं आपको सर। हाँ सर, जैसे ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, अगर मैं इसको सीधे लिखूं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gh हो जाएगा, और इसको सीधे आ रहे थे तो आंसर आ जाएगा। हाँ लिखे सर, लिखते हैं। हाँ तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, देखो जैसे बी कॉस थीटा तो हम लोग लिखेंगे यू, और जो बी साइन थीटा आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। सही है सर। हाँ सर, आप इसको यहाँ रख देते हैं अपने लोग, तो जो r की वैल्यू बनेगी हमारे पास, जो रेंज पूछी है इसने, तो ये तो 2 भाई, ये u हो गया, और ये कितना आ गया 2hg डिवाइड बाई g। ठीक है सर। okay. तो अब इससे ये अंडर रूट में है, ये बाहर है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये बनेगा अपना r इक्वल टू बनेगा 2u 2h by g, ये आ जाएगा सर। तो सर इसने मतलब आपने इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया, आपने टाइम वाले का फॉर्मूला यूज किया। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं उससे इसका भी अपने यूज कराया, जो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना। हाँ। ये मैंने कंपोनेंट ही निकाल लिया, जैसे इसमें हमें दो कंपोनेंट पर जरूरत पड़ेगी। हाँ, वो v cos और v sin जो पड़ रही थी वहां पर। हाँ तो उसको सीधे उठा के यहाँ रख दिया, जो आप टाइम वाला बता रहे उसे भी निकाल सकते हैं हम लोग टाइम। हाँ, वो क्योंकि यहाँ से v sin थीटा सीधा आ रहा है 2gh आपने वाले का वो। हाँ, तो इसी का आपने यूज करके लिया, टाइम का आपने यूज नहीं किया। टाइम का यूज नहीं किया, चलो वो भी दोनों में मतलब बात तो एक ही आनी है। हाँ, दोनों तो एक एक अच्छा सॉल्यूशन था ये समझाने के लिए, भाई ओरिजिनलिटी कोई कांस्टेंट कंपोनेंट रहता है तो उसका अपन यूज कर सकते हो, और इसमें एक अच्छी बात ये आई थी कि वो एक जगह टच कर रहा था। हाँ तो यही बच्चे को समझना था कि एक जगह टच कर रहा है, कि इसमें ये मैक्सिमम हाइट दे रखी है, मैक्सिमम हाइट दे रखी है। ठीक है चलो, तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। टू पार्ट प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन विद द सेम स्पीड सच दैट ए मेक्स एंगल थीटा विद द ओरिजिनल। तो मैं सर यहाँ एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ सर, दो है, दो प्रोजेक्टाइल है ए और बी, ए और बी है, लेट अपन इसको ए मान अज्यूम कर लेते हैं, और ये एंगल यहाँ पर है थीटा, थीटा दे रहा है। ठीक है, विद सेम स्पीड है, तो सर इसकी स्पीड में एक बार यू लिख लेता हूँ। ठीक है, हाँ सेम स्पीड दैट एंड बी मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल। अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये बी है, इसकी स्पीड तो यू है, लेकिन ये एंगल दे दिया थीटा है, ये वर्टिकल से दे रहा है, ये वर्टिकल के साथ है। ठीक है सर, तो अब पूछा गया है बोथ मस्ट हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अपन क्या करते हैं टाइम ऑफ मस्ट बोला, एक बात तो सर अपन को ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि मस्ट दे रखा तो इसका मतलब अपन को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला टी इक्वल टू 2u 2u sin थीटा बाय g। जी तो ये अब इसमें सर जैसे अपने बात कर रहे हैं 2u sin थीटा बाय g है। हाँ। तो इसमें तो अपने लोग ये जो लिखा जाता है ये इसको जो फॉर्मूला है एंगल लिया जाता है अपने कहां से लिया है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ लिया जाता है एक के लिए तो ये सही है एक के लिए सही है अगर अपन लोग दूसरी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो मैं सर दूसरे का लिख लेता हूं इसको a के लिए लिख लेता हूं इसको b के लिए लेता हूं तो ये हो जाएगा 2u sin 90 माइनस थीटा बाय g। तो सर ये बन गया 2u cos थीटा डिवाइड बाई जी। अब देखो सर यहाँ पर एक मस्ट देखो ये इक्वल हो तो सकते हैं सर जब यदि थीटा यदि बराबर होता है लेकिन हमेशा तो नहीं होगा हमेशा नहीं होगा मस्ट का मतलब हमेशा होना हमेशा होना चाहिए इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया गलत हो गया मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा बराबर नहीं होगा। हाँ तो ये तो गलत कर लेते हैं ये तो गलत हो गया सही है। अच्छा बोथ मस्ट अचीव सेम मैक्सिमम हाइट तो फिर वही सर वापस मैं सीधा फॉर्मूला लिख लेता हूं। हां फॉर्मूला लिख लेते हैं हमने हाइट का फॉर्मूला h = u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g तो सर उसमें भी वही कांसेप्ट ऑब्वियस आएगा कि उसमें यहां पे लिख लेता हूं आप लोग लिख लो उसके लिए वो आ जाएगा h भी आ जाएगा u स्क्वायर या सीधा cos लिख लेते हैं क्योंकि 90 आएगा तो इसलिए ठीक है सर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g
तो लॉजिक वापस सर वही लग रहा है जो वन के लिए लग रहा था, होगा वही लॉजिक टू के लिए, यहाँ पर भी मस्ट यूज कर रहा है इसलिए नहीं होगा। ठीक है सर, तो अब थर्ड ऑप्शन सर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड बोला ए मस्ट हैव हॉरिजॉन्टल रेंज, ए मस्ट हैव मोर हॉरिजॉन्टल रेंज देन बी। अच्छा, ए का ओरिजिनल बोला है कि मस्ट ही ज्यादा ही ज्यादा होगा ऐसा बोला है, तो आर ए ये मस्ट बोला है ऐसा देखते हैं होता नहीं होता है। तो अपन सर एक काम करते हैं, रेंज का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, u स्क्वायर साइन 2θ डिवाइड बाई जी। ये तो है आर ए। ठीक है, अब दूसरा लिख लेते हैं अरे वैसे सर अपन को एक चीज और बताया कि यदि इस थीटा और इस थीटा का सम करता हूं तो दोनों 90 डिग्री आ जाएगा। अपन ये फॉर्मूला यूज भी नहीं करना चाहे, जैसे ये तो थीटा 1 है और इसका प्रोजेक्शन ये थीटा 2 है। ठीक है, और अपन को पता है थीटा 1 + थीटा 2 कितना है, 90 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन को हमेशा फॉर्मूला यूज करना जरूरी नहीं, क्लिक कर जाता तुरंत, तो थीटा 1 + थीटा 2 90 आ रहा है, इसका मतलब सर दोनों की रेंज बराबर रहेगी। ठीक है, सेम स्पीड है, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो हमेशा इक्वल होनी होनी है, ऑलवेज रिमेन इक्वल ये वाला है। अब अपन देख लेते हैं, तो सीधी सी बात आंसर तो सर फोर्थ ही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर फोर्थ तो आएगा, आंसर फोर्थ आएगा ही, लेकिन एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। बोथ हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट सर, मे। अच्छा, तो अपन यहां जो डिस्कस किया था उसका वही आएगा, एक बार उसको आप रैप करते लिख लेते हैं, फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं। हां, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला वही टी ए आ जाएगा हमारे पास, 2u एक में sin थीटा आएगा, sin थीटा डिवाइड बाय जी जी ए के लिए, और बी के लिए सर आ जाएगा कॉस आ जाएगा, टू यू कॉस थीटा बाई जी। अब मे तो हो सकता है, जैसे 45 पर फेंका हो, 45 पे वैल्यू सेम, मतलब सेम ही एंगल में फेंका हो तो पॉसिबल हो सकता है, तो मे भी है, तो ये आंसर सर, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलो सर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला है, ए वॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर विद वेलोसिटी 5 m/s एट एन एंगल 53। तो सर एक बॉल है, मैं सर वो डायग्राम बना रहा हूँ, हाँ डायग्राम बना ले, तो और एंगल दे रखा है हमें 53 मतलब एक हाइट से क्वेश्चन है, हाँ 53। अरे सर ये 53 एंगल दे रखा है, ठीक है। और फिर ये बोला इट स्पीड व्हेन इट इज एट हाइट 0.45 m फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इससे जब ये 0.45 m ऊपर होगा तब का पूछा है। हाँ, तो मैं सर एक इस डायग्राम को मिटा दूं, हाँ एक बार इसको रफ करके दोबारा बना लेते हैं डायग्राम को, डेटा देख लेंगे इसमें, ये सीट मेरे पास, तो सर अपन पूरा नए पे बना लेते हैं, हाँ नए पे बना लेते हैं, थोड़ा इजीली कर पाए। तो ये एक कोई हाइट दे रखी है और यहाँ से प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी 5 से एंगल दे रखा है 53 एंगल 53 तो सर इसका सीधा कंपोनेंट कर लो ये, हाँ तो ये आएगा ux और uy। सर ux कितना है, 5 cos 53 हो जाएगा 3/5 ये हो गया 3 m/s और इसको सर ये जाएगा 4 m/s। अब उन्होंने शायद सर ये मेरे साइड के साइड पर पूछा है, ये मैक्सिमम इस वाले पॉइंट से जब ये इससे हाइट जो दे रखी है हमें, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, मतलब अगर इसको रहता है इससे कोई भी हाइट होगी, हाँ 0.45 m पे पूछा है। अच्छा पूछा क्या सर, तो इसमें ये बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी मतलब स्पीड पूछी है। अच्छा तो इसको एक सर अगर करना चाहूँ तो इसको अपन लोग वेक्टर से करते हैं, मतलब वेक्टर कैसे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये तो सेम रहेगा। ठीक है, अब वर्टिकल कंपोनेंट सर चेंज होगा, हाँ बिल्कुल सर। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए अगर अपने लोग लिखे तो b/2 आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल टू, मैं सर से लिख रहा हूँ क्या बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, एक बार इसको सर सिंपल करके लिखो, b2 बराबर u2 - 2g, तो उससे बच्चे को ध्यान रहता है वो फार्मूला। चलो ऐसे लिख लेते हैं एक बार सर, 2g माइनस 10, हाँ और h कितना दे रखा है, h दे रखा 0.45 सही लिखा सर, हाँ सर सही है। अच्छा तो इससे सर अपने पास v/2 का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ v/2 मतलब v/2 कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा तो अपन v/2 लिख लेते हैं क्योंकि स्पीड निकालनी है, तो वहां तो v/2 प्लस v/2 करना पड़ेगा, हाँ तो अपन v/2 ही रहने देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, हाँ ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये आ गया सर 16 का ही आ जाएगा 20 into 0.45 ठीक है, तो 16 9 आएगा ये, और vx square वो कितना है, ये हो गया हमारा
9 आ गया, 9 आ गया ठीक है। अब इसकी स्पीड हमें लिखनी है, तो मैं ये बोल रहा था अगर हम लोग स्पीड लिखें तो अगर मैं स्पीड को अगर लिखूंगा तो सिंपल सा इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट है उनका स्क्वायर रिजल्टेंट ले लेते हैं। तो इसको लिख देता है जो अभी आपने लिखा कोई इसको सिर्फ सिंपल साइड करना है। तो ये x स्क्वायर आ गया 9 और ये b y आ गया हमारे पास 7 इसका स्क्वायर तो ये बन गया कितना 16 तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। अच्छा सर इसमें खैर अपने ये टॉपिक कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में ठीक है तो थोड़ा सा लेंथी हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ही करना पड़ेगा लेकिन अपन यदि वर्क एनर्जी थ्योरम करते यदि अपन उस समय टॉपिक हो रहा होता वो तो सर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता ना। हाँ सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते हैं तो सीधा आ जाएगा। तो मैं एक बार लिख लेता हूं सर। हां एक बार बता दीजिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg h हाइट कितना गया सर 0.45 इज इक्वल टू हाफ m b स्क्वायर माइनस हाफ m u। ये जो सर स्टार में दे रखी है कितना सर 5 दे रखा है ना ये हमें दे रखा है 5। तो ये इससे थोड़ा सर इजी हो जाता है मेरे हिसाब से। हाँ तो अपने लोगों सर अभी ये है ना हाँ, अपन अभी प्रोजेक्टाइल में चल रहे हैं जो कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल उसी से अपने लोगों को सुधार करना ये भी तरीका सही है। इससे हो जाएगा बच्चा जब पढ़ेगा तो यही लगाएगा फिर इसको नहीं लगाएगा ये एक उनको भी आ जाना चाहिए कि धीरे धीरे जाकर फिजिक्स इजी होते जाएगी धीरे धीरे। तो चलो आगे बढ़ते सर। हाँ आगे है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है इफ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच क्यू इज टी देन पी क्यू। ओके सर इन्होंने ये सारी वेलोसिटी डायग्राम में बना रखी है वो 90 डिग्री बना ये 90 डिग्री बना रखी है। तो अपन ऐसा करते सर क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए आप उनको फिलिंग ढंग से लाने के लिए इसको तो मैं कर लिख लेता हूँ सर वाई कंपोनेंट इसको वाई लिख लेते हैं। हाँ, मतलब आप एक्सिस रोटेट मैं एक्सिस रोटेट कर रहा हूँ। हाँ, उससे क्या है कि अपने क्या कि वो हमेशा आदत पड़ी होती है एक्स और वाई में करने की। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ उसे मैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसे कंपोनेंट तो करने पड़ेंगे अपन को। ये थीटा है तो ये थीटा आएगा ये थीटा आ जाएगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा जी कॉस थीटा हो जाएगा उधर आ जाएगा तो ये तो भाग सर बहुत आसान कर दिया आपने कि मतलब कंपोनेंट कर लिए सर वी एक्स वी वाई में कर लिया। हाँ। एक बार सर मैं डेटा लिख लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी उस सब का ठीक है ठीक है। तो सर एस यू एक्स तो है 0 यू एक्स तो हाँ 0 है और यू वाई भी यू वाई बी दे रखा बी दे रखे हाँ बी दे रखा है चलो बी हाँ पर हाँ ठीक है ये बी दे रखा है। अब अपन को फाइंड करना है एक्चुअली रेंज पता करनी रेंज पता करनी है पी क्यू पी क्यू की रेंज। अच्छा तो ये तो ऐसा हो गया कि डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में फाइंड करना है। हाँ, x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो एक बार लिख लेते हैं सर यू एक्स इज इक्वल टू इस डायरेक्शन को इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं इनिशियल वेलोसिटी है नहीं तो यू एक्स तो 0 हो जाएगा तो 0 माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस हाफ। अच्छा हमने x माना वो पॉजिटिव ले लिया तो प्लस आ जाएगा प्लस जी साइन थीटा इनटू टी टी का स्क्वायर। तो वैसे सर ये तो अपने लोगों ने सही लिखा है। हाँ। मगर हमें आंसर लेके आना है इस तरीके से। अच्छा टी बी की फॉर्म में लेके बी की टर्म में आंसर लाना पड़ेगा। हाँ। तो इसका मतलब अपन को सब टी बी फाइंड करना पड़ेगा मतलब उसकी टर्म में आंसर लाना है। हाँ। तो हमें करना क्या है इसमें जैसे अब हमारे पास जी दे रखा है। हाँ। और इसमें आप लोग देखें तो कहीं पे जी तो है जी कहीं है नहीं तो एक काम करते हैं अपने लोग इसे जी को हटा दें जी को हटा दें। तो जी को हम लोग कैसे हटा सकते हैं यहाँ से पूरा टाइम ऑफ लाइट इसमें से एक बात है ऑप्शन है ना इसमें बी दे रखा है अपने यहाँ पर बी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि मुझे y डायरेक्शन की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी वहां से z को रिप्लेस कर देंगे। हाँ सर वो कर सकते हैं तो अपन करते हैं एस वाई डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में सर 0 0 आएगा क्योंकि ये लौट के अच्छा वही आ रहा है वापस उसी पर आ रहा है। यदि अपन ऐसे इसको थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना रहे हैं इसको x कर दें और इसको यदि y कर दें तो ये ऐसे करके वापस यहीं आ रहा है तो y डायरेक्शन आपने डिस्प्लेसमेंट 0 लिख दिया सही बात है डिस्प्लेसमेंट 0। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये v v t t माइनस माइनस जी हाफ हाफ जी जी कॉस थीटा जी जी कॉस थीटा टी स्क्वायर तो ये आ गया आपके पास टू वी कॉस थीटा इज इक्वल टू जी जी टी। अच्छा सर मैं बताए एक ये जी टी साथ में क्यों लिखा। हाँ हाँ देखो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है ना उसमें टी स्क्वायर कहीं नहीं है टी स्क्वायर कहीं नहीं है टी स्क्वायर कहीं नहीं इसका मतलब मुझे जी और टी को हटाना है।
जीओटी को। हाँ सही बात है। तो अपना आंसर आ जाएगा, तो सर मैं लिख लेता हूँ एस एक्स जो डिस्प्लेसमेंट आया एस एक्स आ जाएगा हमारे पास, जी को उसके साथ रहना है तो उसको मैं मिटा देता हूँ, साइन थीटा डिवाइड बाई टू, एक टी भी लिख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में टी दे रखा है। हाँ, एक टी लिख रहा है मैं। अब बच गया सर जी और टी, तो जी टी वहां है तो ये हो गया अपने पास टी वी डिवाइड बाई कॉस थीटा। सही है, तो ये अपना टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल और क्या क्या, और ये आ गया सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। सही है, तो टी वी टेन थीटा, टीवी टेन थीटा आंसर है सर। आंसर फोर सर, तो ये बार लिख देते हैं सर टीवी टेन थीटा, टीवी टेन थीटा, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ, हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है सर, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर ये पैराग्राफ है सर, तो इस पैराग्राफ सर आप भी पूरा कर दीजिए। हाँ ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें बोला ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 2 अंडर रूट जी बाई एट एन एंगल 60। तो एक बार वो ये बना लो। हाँ एक बार बना लेते हैं, 2 रूट जी बाई और इसमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री, मतलब प्रोजेक्शन भी दे रखा है। हाँ तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि द टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द हाइट बाई, ठीक है तो देखो सर इसको क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं है क्या। अच्छा ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हमारे पास ये एक हाइट दे रखी है सर्टेन, जैसे मान लो ये बाई है, ठीक है। अब इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये मैक्सिमम हाइट है। हाँ ये तो नहीं लिखा हुआ है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये बोला है इसके ऊपर कितना टाइम इसको लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि यदि कोई पार्टिकल ऐसे जाता है, हाँ, तो वाई वो दो बार अचीव करेगा, दो बार अचीव करेगा। तो एक बार सर मैं भी वाई ड्रॉ कर लेता हूं, ये भी वाई है, ये वाई हो गया। अच्छा तो अब एक काम करते हैं, जैसे यहां से यहां तक का टाइम मैं लिख लेता हूं, हां, और यहां तक का टाइम दो। अच्छा यहाँ से मैं आप बोल रहे हो कि टी वन यहाँ लिख लेते हैं, हाँ, और उधर का टाइम इधर का हो गया टी टू। और इसने हमसे बोला गया कि कितनी देर तक ये प्रोजेक्टाइल ऊपर रहता है, मतलब टी टू माइनस टी वन। अच्छा टी टू माइनस टी वन पूछा है, टी वन, हाँ टी टू माइनस टी वन हमें पता करना है। हाँ बिल्कुल, तो अपन टारगेट करते हैं टी टू माइनस टी वन लिखना है, टी टू माइनस टी वन फाइंड करना है। तो अब मैं एक बार सर डेट ये नेक्स्ट पेज पे चले, हाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ब्लैंक पेज पे आते हैं हम लोग। तो अब इसको अपने लोग अगर सॉल्व करें, इसको एक बार रख कर लेते हैं, अब तो डाटा तो अपने लोगों को पता चल गया, पता ही है, तो इधर ऐसे लिख लेते हैं अपने लोग, ये जो हमें दे रखा है ये 60 डिग्री दे रखा है, हाँ, और ये जो स्पीड दे रखी है ये 2gy दे रखा है, हाँ, ठीक है। इसके अगर सर मैं कंपोनेंट करूं तो इधर आएगा ये 2 अंडर रूट जी वाई कॉस 60 आ जाएगा। अच्छा मैं सर इसमें है ना एक बच्चों को ये डाउट हो सकता है, किसी को बच्चा बोलेगा कि ये वाई तो है वेरिएबल हो सकता है, बच्चा ये सोचेगा, लेकिन मतलब क्वेश्चन पढ़ के सर समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के आएगा वाई एक हाइट दे रही है, हाइट दे रही है, यार 2g एच भी दे सकते थे, हाँ एच भी दे सकते थे, तो मतलब इसको बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है कि वाई कैसे है, वाई वेरिएबल है या नहीं है, वाई सर कॉन्स्टेंट है क्योंकि हाइट दे रखी है, तो क्वेश्चन के अंदर हाइट लिखे या वाई लिखे तो भी बात सेम टू सेम। अच्छा मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए जैसे बच्चे इसको वेरिएबल मान के वेरिएबल मान के करेगा, हां बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2gy और यहां पे आएगा हमारे पास sin थीटा, sin 60 आ जाएगा, sin 60। तो अगर अपने लोग इसको सिंपलीफाई करके लिखें तो इसको ये लिखा जाएगा अंडर रूट 3gy और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ये तो अपना हो जाएगा gy, ठीक है सर। अब ये तो ऐसे पार्टिकल चलेगा, यहां गिरेगा, ये हाइट अपने लोग यहां मान लेते हैं बाई और ये बाई होगा। देखो सर इसको मैं करने की कोशिश करूंगा ना क्वालिटी वाली तरीके से। अच्छा तो बाई के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो बाई डायरेक्शन के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, यू बाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। सही है सर, हाँ बिल्कुल क्यों, टी में हमारे पास क्वालिटी बन जाएगी, हाँ, तो इससे सम ऑफ रूट्स लिख लेंगे, सम ऑफ रूट आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे, हाँ, और फिर उससे अपना सॉल्व कर लेंगे, ठीक एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा बाई और यू बाई हमारे पास कितना, ये अंडर रूट 3gy t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना अगर इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 2y, यहां पे बनेगा अंडर रूट 12gy t माइनस का जी टी स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसको क्वाड्रेटिक को अपने लोग अगर सही से अरेंज कर ले तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जी हाँ, जी टी स्क्वायर माइनस माइनस का 12 जी वाई टी प्लस का प्लस 2y
टू वाई इक्वल टू जीरो जीरो। अब अपने लोग, अब मैं इसके जैसे आपने बताया था कि टी वन यहाँ मान लेते हैं, टी टू यहाँ मान लेते हैं, तो मैं अगर समाप रूट्स लिखूं, मतलब उसके दो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक का, तो टी वन प्लस टी टू, तो क्या होता है माइनस बी वाई ए, माइनस बी वाई ए। तो इसको मैंने लिखा माइनस का बी वाई ए, अगर तो बी तो ये है, बी ए माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व जी वाई डिवाइड बाई जी, ये ट्वेल्व है, मेरे को लिख लो सर। हाँ सर, ट्वेल्व ट्वेल्व जी वाई वाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई बाई जी है, जी ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल सर, सही है। तो अब एक बार हम लोग प्रोडक्ट लिख लेते हैं, एक बार प्रोडक्ट लिख लेते, टी वन टी टू भी लिख लेते हैं। तो टी वन टी टू क्या होता है, सी वाई होगा, सी वाई, तो सी कितना हो गया हमारे पास, टू वाई डिवाइड बाई जी आ गया। तो इसका मतलब अपने पास T1 plus T2 भी है और T1 minus T2 भी है, तो अपने लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सर देखो, मैं तो इसमें जो तरीका लगाऊंगा वो ये है कि a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू करके इक्वल टू a plus b का होल स्क्वायर माइनस फोर फॉर ए भी ले कर लें, हाँ बिल्कुल सही है सर, वहां लिख लेते फॉर्मूला। हाँ तो अगर मैं इसको सही तरीके से पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं इसको समझो देखो थोड़ा, हाँ जी मैं रख कर देता हूँ, आप लिख रहे हो ना, तो मैं सोचा मैं मिटा दूँ। हाँ तो a माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर माइनस का फोर ए बी, सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर सही है, ठीक है। तो अब आपने यही वाला तरीका लिख दिया था, ये तो क्या सम हो गया। हाँ तो a माइनस बी, ये सर आपको टी वन माइनस टी टू है ना, हाँ टी वन सर, यहाँ अपन लिख लेते हैं अब सीधा सीधा, टी वन माइनस टी टू, टी टू का स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टी वन प्लस टी टू, हाँ ये हो जाएगा अपना, तो ये हो गया, मैं स्क्वायर कर लूँ सीधा सीधा, स्क्वायर ये तो 12 जी वाई जी वाई डिवाइड बाई जी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर। अच्छा इसलिए माइनस फोर माइनस फोर ए बी ए कितना है, टू वाई डिवाइड बाई जी जी, ठीक है सर। तो ये एलसीएम तो बराबर जी से ये जी कट जाएगा, ये जी कट जाएगा, एलसीएम बराबर आएगा 12 में से 8 जाएगा ये, हाँ तो 8 बचेगा, तो नहीं 8 माइनस जाएगा तो 4 बचेगा, वाई बाई डिवाइड बाई जी, यही आंसर हमसे पूछा था। अच्छा अच्छा, तो अगर आप लोग इसको लिखें तो t1 माइनस t2 करेंगे तो इसका रूट ले लेंगे, हाँ तो ये 2 अंडर रूट वाई जी हो गया, वाई वाई जी। एक बार चेक कर लेते हैं सर आंसर, देखो हाँ सर एक बार बैक करिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 वाई जी, ये थर्ड वाला थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है सर। इसको एक बार में, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, मिटा था इसको, तो फर्स्ट वाला हो गया, तो आंसर हो गया अपना थर्ड, थर्ड वाला, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा वही क्वेश्चन है पहले भी, हाँ सेवंथ क्वेश्चन ना, हाँ सेवंथ, अच्छा पैराग्राफ वाला है ना, अच्छा पैराग्राफ वाला, हाँ तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं सेवंथ की। तो अब ये बोला है द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल कवर द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर, अच्छा। तो अब इसमें हमसे बोला कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना इसमें टाइम लगेगा, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब लोग जैसे अभी आपने बताया था वही बना लेते हैं, ये तो आपने डायग्राम बना ही दिया था यहाँ पे, ये 60 डिग्री, और ये जी वाई, जी वाई आ गया था, और तो ये हॉरिजॉन्टल बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल तो सीधा जी वाई आ गया था, हाँ तो ये कंपोनेंट यही लिख लेते हैं सर, हाँ वही लिख लेते हैं सर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अपना जी वाई आ गया, हाँ। तो अब ये बोला है इसमें 1 मीटर का बात कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, तो ये तो वी एक्स आ ही रखा अपने पास, वी एक्स आ रखा है, तो ये अगर मैं एक्स लिख देता हूँ, तो एस एक्स अगर अपने लिखेंगे तो ये यू एक्स इंटू टी टी, तो सर इसमें जी तो लेने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैराग्राफ, मैं सर एक बार इसको लिख लेता हूँ, हाँ। टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इन द सेम प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब दोनों पार्टिकल को एक ही पॉइंट से फेंका गया है, ठीक है, और एक साथ में फेंका गया, साइमल्टेनियसली फेंका गया, देयर वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपन सर पहले क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है, दूसरा जो है वो दे रखा है v2 है, और उसको एंगल दे रखा है थीटा 2, उसमें एंगल दे रखा है थीटा 2, थीटा 2, ये अपने पास दो दो एंगल आ गए,
ठीक है सर, ठीक है, ये तो आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन दिया है और ये साइमल्टेनियसली फेंका गया, साइमल्टेनियसली फेंका गया, तो जो कुछ होगा साथ में होगा, ठीक है। तो अपन सर इस क्वेश्चन करने से पहले कुछ डेटा लिख लेते पहले से ही, क्योंकि दोनों कंपैरिजन हो रहा है, तो मैं एक बार वी एक्स और ये सब लिख लेता हूँ। फॉर पार्टिकल वन, हाँ वन के लिए लिख लेते हैं, मैं एक्स वन लिख लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक्स वन हो गया वी वन कॉस थीटा वन टी, ये तो आ गया एक्स वन, ठीक है माइनस, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाई वन। अच्छा आपने इधर ये, हाँ ये ओरिजिनल लिखा है, ठीक है ठीक है, और वाई वन हो जाएगा, ये आ जाएगा वी वन साइन थीटा वन, थीटा वन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब सर अपन सेकंड वाले के लिए लिख लेते हैं, सेकंड वाला सर ऐसे ही लिखा जाएगा सर, हाँ वैसे वैसे ही है, सब बस तो अपन मैं इसकी नीचे लिख लेता हूँ, ये सर अपने डेटा लिख दिया। हाँ तो अब सर इसमें अब सर, हाँ पहले वाली बात हो रही है, इसमें पहला क्वेश्चन ये बोला है द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल वन विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल टू। अच्छा इन्होंने इंडिविजुअल ट्रेजेक्टरी नहीं पूछी है, हाँ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछी है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो यू मान लो ये सर क्वेश्चन रिलेटिव और प्रोजेक्टर दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। अच्छा तो इससे मतलब इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, तो अपने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसका भी यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, बताइए एक बार आप। और ट्रेजेक्टरी के सर अपन को बताइए एक्स और वाई लिखना होता है और फिर टाइम की टर्म में उसको एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो अपन पहले सर एक्स रिलेटिव फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि रिलेटिव पूछा सब कुछ, हाँ सब कुछ रिलेटिव में बात हो रही है, एक्स रिलेटिव पूछा है, तो मैं लिख लेता हूँ सर एक्स टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये सर अपने पास आ जाएगा वी टू कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू माइनस वी वन कॉस थीटा वन, थीटा वन ब्रैकेट टी वन, टी हाँ सर सही है, और वाई रिलेटिव, वाई रिलेटिव। अच्छा भागव सर इसमें एक बात, जैसे आपने ये लिखा सर, अच्छा ये जो जी लिखा ये तो रिलेटिव में कैंसिल ही हो जाएगा, हाँ वो तो क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, ये रिलेटिव में कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो इसकी इक्वेशन सर इस जैसे दिखेगी, मैं एक बार लिख लेता हूं, लिख लीजिए वी टू बी टू साइन थीटा टू माइनस वी वन साइन थीटा वन, साइन थीटा वन ब्रैकेट में यहाँ पर सर टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, मतलब जी तो कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब जीरो हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब अपन इसमें क्या बोला गया है अपन एक एक करके देखते हैं, अब इसमें सर पहले बात कर रहा है द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, अच्छा पहले ट्रेजेक्टरी पूछा था ना, तो सर देखो एक चीज यहाँ पर अपन को साफ साफ दिख रही है कि यदि मैं, अब मैं इसको पूरा ऐसा लिख सकता हूँ सम वन सी वन टी, सही है, और इसको लिख सकते हैं सी टू टी, ठीक है सर, क्योंकि एक्स है वो भी टी के टर्म में आ रहा है, वाई भी आ रहा है टी के टर्म में, टी के टर्म में, इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि अपन सर टी एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ट्रेजेक्टरी की बात करी तो मतलब एक्स और वाई के बारे में, एक्स वाई चाहिए अपन को, टी नहीं चाहिए, हाँ उसका मतलब पाथ क्या होगा, हाँ एक्स वाई अपने पास आ गया सी वन डिवाइड बाय सी टू, तो ये तो सर एक स्ट्रेट लाइन आ गया, हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, तो इसका सर आंसर हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन है, मैं एक बार पीछे देखो, एक बार देख लो आप, हां ये है, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अपना सेकंड। चलो आगे की बात करते हैं, आगे करते हैं, हाँ अभी सर जरा डेटा ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन है ये, हाँ सर आप मुझे बता दे रहे हो, हाँ एक बार इसको रख, ये एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, शायद वापस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं निकल लेंगे, हाँ ठीक है सर, एक्स तो एक्स का डेटा तो मुझे याद ही है, ठीक है, एक्स रिलेटिव वैल्यू क्या है, अब टू प्रोजेक्ट आर थ्रोन, वो तो वही क्वेश्चन है, वही है डेटा टू, ये यहाँ से स्टार्ट है, अच्छा आपको दे रहे, अपन को दे रखा है कि वी वन कॉस थीटा, और ये आपको अपन को इक्वल दे रखा है वी वन, वी वन कॉस थीटा वन, थीटा वन इज इक्वल टू B2 cos theta 2, B2 cos theta 2, ये अपन को दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो और अपन को इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना, हाँ ये बात सर ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनकरेक्ट का, हाँ, और टिक कर देता है करेक्ट का, ये आपने सही करा, तो इनकरेक्ट को अपन मार्क कर लेते हैं, उसके बेसिस पर अपन क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी सर लास्ट का डेटा अपन जस्ट अपन किए थे, तो मैं अब एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, वन पार्टिकल विल रिमेन एग्जैक्टली बिलो और अबव द अदर पार्टिकल, इसको सर अपन देख लेते हैं, अभी सर अपने किया था y रिलेटिव, मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 लिखा था हमने, वो लिखा था v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1, sin थीटा 1 t, ये तो आया था y, वो सर मैंने इसलिए इक्वेशन लिखी y की, वो उसने ऊपर पूछ रखा है कि ऊपर नीचे रहेगा अप एंड डाउन रहेगा, इसलिए अच्छा पहला ऑप्शन है इसलिए, और सर x भी लिख लेते हैं, हां x2 लिख लो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये है v2 cos theta 2 माइनस v1
cos थीटा बराबर हां और इनटू टी मतलब ब्रैकेट टी इनटू टी। अच्छा ये तो अपन को दे रखा है, ये हमें दे रखा है मतलब, तो सर इसका मतलब ये हुआ ये b1 cos मतलब दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें। अच्छा मतलब दोनों हॉरिजॉन्टली साथ-साथ में चलेंगे। हां x1 और x2 हमेशा बराबर रहेंगे। तो अपन एक थोड़ा सा पाथ बना लेते हैं, एक बार बना लीजिए। तो पाथ बना लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि सपोज एक पार्टिकल यहां है ठीक है, तो जो दूसरा पार्टिकल है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से इक्वली चल रहा है तो दूसरा पार्टिकल यहां तो रहेगा इसके जस्ट ऊपर ठीक, यहां रहेगा इसके जस्ट नीचे रहेगा। तो ये तो शायद क्वेश्चन में भी पूछा है, तो इसमें बोला है वन ऑप्शन, हां वन पार्टिकल विल रिमेन एग्जैक्टली बिलो और अबव। तो ये तो सर ये तो सही हो गया, इसको सेलेक्ट नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको गलत नहीं है, गलत पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, नहीं करेंगे। ठीक है, आप दूसरा दूसरा ऑप्शन बताता हूं सर। दूसरा ऑप्शन बोला था ट्रेजेक्ट्री ऑफ वन पाथ विद रेस्पेक्ट टू द अदर विल बी ए वर्टिकल लाइन, मतलब पहले वाले के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले का जो पाथ होगा वो वर्टिकल लाइन होगा। हां वो तो सर वो आ ही गया यहां पर, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, क्योंकि मतलब हॉरिजॉन्टल ये दे रखा था, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव नहीं चलेगा, रिलेटिव नहीं चलेगा, सिर्फ वर्टिकल में वर्टिकल चलेगा। अच्छा, ये भी सर राइट हो गया, तो ये भी राइट हो गया, मगर हमें ध्यान रखना गलत पूछा। हां सर, और देखो आपने यहां बना भी लिया कि ये ऊपर नीचे रहेगा तो वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी अपना हो गया, मतलब सही है, हमें चूज करना है गलत। अब ये बोला है बोथ विल हैव द सेम रेंज, मतलब दोनों का जो परास होगा क्षैतिज परास वो दोनों का सेम होगा। अच्छा, तो अपन फार्मूला लिखना पड़ेगा एक बार, तो हां एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। तो रेंज का फार्मूला है r जो लिखा जाएगा u नहीं, मतलब हमें दे रखा b2 दे रखा है, तो आप पहले r2 के लिए लिख लो या एक कॉमन फार्मूला लिख लें। अपन एक बार कॉमन फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले पुट कर देंगे फिर बाद में। तो u स्क्वायर मैं इसमें लिख लेता हूं, ये 2 sin थीटा cos थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g g, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें सर अपन को ये चीज दे रखी ना, तो ऐसा करते हैं cos थीटा वाले cos थीटा को साथ में ले लेते हैं। हां, तो ये लिख लेता हूं मैं 2v sin थीटा sin थीटा g और इधर और v cos थीटा cos थीटा। अच्छा, मतलब आप इसका ये रोल खत्म करना चाह रहे हो, ये जो हमें दे रखा है, मतलब ये होगा रेंज जो है वो sin थीटा पर डिपेंडेंट है, sin थीटा पर डिपेंडेंट। ठीक है, तो आसान हो गया ये, तो वो इक्वल दे रखा है, तो रेंज जो सर है अपन लिख सकते हैं सीधा है v1 sin थीटा के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहां तो सर दिख ही रहा साफ साफ कि वो कंपोनेंट बराबर, ये कंपोनेंट बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। हाँ, तो मतलब ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, मतलब ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। हाँ, तो आंसर अपना हो गया थर्ड, बोथ विल हैव द सेम रेंज। तो बच्चों इसको ध्यान रखना, इसमें जो आप ऑप्शन है एक बार सर स्लाइड एक बार आप देखिए, जिसे बच्चों को अपने लोग मैं वो तो अपने डिस्कस कर लिया। हाँ, तो ये बार आंसर है सर, ये थर्ड है, बोथ विल हैव द सेम रेंज, तो उसके अकॉर्डिंग आगे, क्योंकि अपन इनकरेक्ट सेलेक्ट करना, इनकरेक्ट बच्चों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, ठीक है सर, तो ये हो गया वन, फिर चलते हैं टेंथ पर, तो इसको तो मिटा दो एक बार में वापस। हाँ सर, अब आगे बात करते हैं अपन लोग, अब इसमें अभी एक पार्ट और है सर। अब इसमें बोल रखा है b1 sin थीटा 1 इक्वल टू b2 sin थीटा। अच्छा, मतलब लास्ट वाले का थोड़ा अलग है, अलग है, अब मतलब इसमें वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बराबर, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बराबर रहेगा। हां, b1 sin थीटा 1 b2 sin theta 2, ये हमें दे रखा है, दे रखा है। ठीक है, अब देखो सर, इसमें भी सर वो इनकरेक्ट तो नहीं है, इनकरेक्ट ही पूछा है। अच्छा, अगर हम मार्क कर लो फिर वापस इनकरेक्ट पूछा है। हां, तो अब इसको देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द टाइम ऑफ लाइट ऑफ बोथ पार्टिकल विल बी सेम, मतलब दोनों का जो टाइम ऑफ लाइट है। हां, तो टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला तो आपको पता ही है, t = 2 2u sin theta sin theta / g g, तो क्योंकि ये दोनों का इक्वल दे रखा है तो ये तो सेम ऑफ लाइट जो है सेम रहेगा। सही है, सही तो है। मगर ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, गलत चूज करना है। तो पहला ऑप्शन अभी हमें मार्क नहीं करना, मार्क नहीं करना है, जब ये है वो सही। ठीक है, फिर सर दूसरा बोला है द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल विल बी सेम, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल विल बी सेम। तो मैक्सिमम हाइट में सर मैं एक बार फार्मूला लिख लेता हूं, ये लिख लेते सर। हां, यही लिखो, हाइट का फार्मूला होता है h = u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा / 2g 2g। तो फिर वही बात है, मतलब ये जो असर आप मतलब ये कह रहे हो, ये जो ये आगे ये तो वर्टिकल कंपोनेंट ही है, वर्टिकल कंपोनेंट है। हां, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो हाइट तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम रहेगी। तो फिर इसको सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसा सही लगे इनकरेक्ट पूछा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें बोला है, फिर इसमें बोला था ट्रेजेक्टरी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो तो आपने अभी बताया था। हां, और वैसे भी अपन देखो मैं एक बार लिख लेता हूं सर, लिख दो, अपने पास y तो कितना आ गया था 0, क्योंकि y1 sin थीटा और वो है, जबकि x की इक्वेशन आ रही है वो आएगी v1 v1 sin थीटा यहां v1 cos थीटा माइनस v2 cos थीटा 2 * t। तो ये तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली है,
मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, मगर हमें गलत करना तो हाँ, मगर सर इसमें आप चौथा दे रखा वो नैन ऑफ दिस, तो मतलब चौथा ही हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, इसका तो आंसर हाँ जो प्रोजेक्टाइल आर था वही क्वेश्चन है सर, बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ v1 और v2 इक्वल है, मतलब दोनों की सर वेलोसिटी है ना इनिशियल वो सेम दे रखी है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट का ज्यादा दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट का ज्यादा, तो मैं यहां से लिख लेता हूं थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 और वेलोसिटी में एक बार लिख लेता हूं v1 इज इक्वल टू v2 दे रखा, सो दैट कि वो अगले सॉल्व करने में काम आए। हां अब अपन एक बार पढ़ लेते हैं, पार्टिकल 2 मूव अंडर द पार्टिकल 1, अब अपन को सर है ना ऊपर नीचे मूव करने को बोला है अप एंड डाउन, तो अपन क्या करते हैं सर x2 माइनस x1 कर लेते, सॉरी y2 माइनस y1 कर लेते, क्योंकि उस डायरेक्शन में पूछा है तो अच्छा सर इसको अपने लोग उससे नहीं कर सकते क्या, मतलब मैक्सिमम हाइट अगर मान ले तो सर मैक्सिमम हाइट से हमेशा अपन को हमेशा के लिए चेक करना है ना, अच्छा एक पर्टिकुलर हाइट पर रहेगी ऐसा जरूरी नहीं हमेशा के लिए रहे, अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पर्टिकुलर हाइट पे अगर वो मैक्सिमम है तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं जनरली कर लेते हैं इसको, ठीक है। वैसे ये बच्चों के दिमाग में डाउट आता है इसलिए मैंने पूछ लिया था, नहीं ये तो आपका डाउट एकदम सही है क्योंकि बच्चे हमेशा इसी में कंफ्यूज होते हैं, जब भी वो हाइट की बात आती है तो मैक्सिमम हाइट ही लेते हैं, लेकिन हाइटें बहुत सारी होती है, तो अपन लिख लेते हैं एक फॉर्मूला सर, हाइट का इक्वेशन पूछा ना, हाँ तो सर y2 है v sin थीटा 2 b2 sin थीटा 2 सर इक्वल y2 माइनस y1, हां y2 माइनस y1 v क्योंकि वेलोसिटी इक्वल दे रखी है इसलिए मैं v2 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है v sin थीटा 2 माइनस v sin थीटा 1 थीटा 1 * t, तो ये आ गया v sin थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 और ब्रैकेट टी। अब अपन को सर पता है कि थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से ज्यादा है, हां दे रखा है थीटा 1 ज्यादा है, हां थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 ये हमें दे रखा है, थीटा 2 दे रखा है, तो सर ये हो जाएगा साइन थीटा 1 ग्रेटर देन हो जाएगा साइन थीटा 2 पे, साइन थीटा 2 तो ये पहला सर रॉन्ग हो गया, हाँ मतलब इसमें हमसे पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछा है, है ये सही, हाँ है सही लेकिन ऑप्शन हाँ, में अपने को सेलेक्ट नहीं करना है इसको, ठीक है तो पहले वाले को, तो सेकंड सर क्या बोला, मैं एक बार मैं भी देख लो, हाँ एक बार देख लो, हाँ उसमें बोला था स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ टू पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू वन इज ऑलवेज, ये तो सर क्लियर है, हाँ तो सेकंड में किसकी वजह है स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, अच्छा इसमें इस बार दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री है उसका स्लोप पूछा गया है, अच्छा और उसका कंपेरिजन पूछा गया कि भाई ऑलवेज पॉजिटिव है या नहीं है, और वो भी 2 का विद रेस्पेक्ट टू 1 पूछा गया, 2 और 1 का इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू पूछा गया, तो इसको सर अगर अपने वो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख के कर सकते हैं, हाँ सर वो बढ़िया रहेगा क्योंकि उसने सब जगह पूछ लिया ना, हाँ तो अपन को एक बार तो ट्रेजेक्टरी लिखनी पड़ेगी, तो ट्रेजेक्टरी की अपन इक्वेशन लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x tan थीटा x tan थीटा माइनस माइनस 1/2 1/2 g x स्क्वायर उसने क्या पूछा कि ऑलवेज, हाँ तो अपन के स्टार्ट में तो चेक नहीं कर सकते, सब जगह चेक करना पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं स्लोप के लिए dy/dx कर लेते हैं, अच्छा सर ये आपने जो भी लिखा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, पहले cos स्क्वायर लिखते हैं, तो cos को आपने लिखा sec स्क्वायर, हाँ और sec स्क्वायर में लिख दिया 1+, ठीक है हाँ वो क्यों, ये सर tan tan थीटा अपन आराम से कंपैरिजन कर लेंगे एक टर्म में आ गया, वो भी सही है वो भी करोगे क्योंकि वैसे भी थीटा सर कांस्टेंट दे रखा है, थीटा कांस्टेंट दे रखा है, तो अपन निकल आता है स्लोप dy/dx, मतलब x को सर वेरिएबल माना है, हां x को वेरिएबल माना है, तो ये आ जाएगा tan थीटा माइनस माइनस का 2gx डिवाइडेड बाय 2u² 1 ये बन रहा थीटा, ठीक है तो अपने पास स्लोप आ गया वो आ गया tan थीटा माइनस जी एक्स डिवाइड बाय u² 1+ tan स्क्वायर, अब सर क्या पूछ रहे हैं, अब सर हमसे बोला है द स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल 2 मतलब ये पूछना चाह रहा है कि m2 ग्रेटर देन M1 हमेशा के लिए, हाँ मतलब किसी भी वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी कुछ भी हो थीटा कुछ भी हो, हाँ तो मतलब थीटा से अपन को दे रखा है कि थीटा 1 है ग्रेटर देन थीटा 2 गिवन है, हाँ ठीक है, तो अपन सर ऐसा करते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि m2 - m1 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है तो मैं एक बार सर यहां पर वैल्यू पुट करता हूं सबकी,
तो मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर। ये वाली लिख के रहने देना सर, इसकी जरूरत है अपने लोगों को। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ सर, टेन थीटा टू। हाँ अच्छा, ये लिखना है एम टू माइनस एम वन। मैंने सर यहाँ तो माइनस जी जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर, यू स्क्वायर ब्रेकेट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू, थीटा टू। अब लगाइए माइनस 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 टेन थीटा वन, टेन थीटा वन माइनस माइनस जी एक्स यू स्क्वायर, यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन, थीटा वन। तो सर बाकी सब मिटा देते हैं क्योंकि अभी भीड़ हो गई है। हमको ये चेक करना है ग्रेटर देन जीरो होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, ये ग्रेटर देन जीरो चेक करना सर। हाँ हाँ, तो अपन सर इसको एक साथ में ले लेते हैं एक बार। हाँ, एक बार लिख लेते साथ साथ में। तो ये हो गया टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। अब जब सर इसको माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। सही, तो मैं सर एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर जी एक्स डिवाइड बाय यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर स्क्वायर थीटा वन वन माइनस जी एक्स यू स्क्वायर वन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू, टेन स्क्वायर थीटा टू ग्रेटर देन जीरो। ये अपन को चेक करना है, ठीक है। इसको सर मिटा देता हूँ, नहीं है इसको हम रख कर दीजिए। ये आ गया टेन थीटा वन अब ये सर देखो, ये सर a माइनस बी जैसे दिख रहा है वो भी a माइनस बी है, तो अपन कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस b। अच्छा वो ऐसा उसको रिवर्स है ना। हाँ, तो अपन ऐसा कर लेते हैं टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन माइनस ऑफ। अच्छा माइनस उसको माइनस कर लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो जी एक्स डिवाइड बाय यू स्क्वायर, ये सर मैं सीधा लिख लेता हूँ टेन स्क्वायर टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन प्लस नहीं ब्रैकेट में लगा के टेन थीटा टू टू प्लस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा वन ग्रेटर देन जीरो। अब हमें चेक करना है ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है। हाँ, इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि आराम से आंसर कर सके। अब इसमें ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो आप बाहर ले लो उसे, तो इसको मैं जीरो से डिलीट कट कर देता हूँ। ये आ गया वन वन माइनस जी एक्स जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर, यू स्क्वायर tan theta 2 tan theta 2 bracket sir ah sir tan theta 2 tan theta 1 greater than 0 greater than 0। kul milakar sir ye puchna chah raha hai ki 1 jo hai gx divided by u ye hamesha jo hai wo tan theta 2। ha theek hai sir, ye puchna chah raha hai, sahi hai। to ye to sir zaruri nahi hai क्योंकि हमेशा वन से जरूर, क्योंकि ये तो यू पर भी डिपेंड करेगा, यू पे भी डिपेंड क्या है एक्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ थीटा वन और थीटा टू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मतलब ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत है और हमसे पूछा भी इनकरेक्ट, मतलब ये सही आंसर है। अच्छा ये सही हो, अच्छा मतलब अब उनको इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, तो फिर ये तो आंसर हो गया क्योंकि हमेशा वैलिडिटी एक्स पर डिपेंड आ रहा है। हाँ, यदि इनिशियल पूछते तो अपन देख लेते हैं, लेकिन हर एक एक्स के लिए वैलिड नहीं है, एक्स के लिए वैलिड नहीं। दूसरा सर यू भी तो है, यू भी है, यू की कुछ वैल्यू हो सकती है, यू की कुछ वैल्यू हो सकती है, तो ऐसा जरूरी नहीं। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। ओके सर, आंसर हो गया सेकंड, सेकंड। तो अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ही है, ठीक है सर। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की। हाँ, तो देखो सर, ये बोला, ये बोला है। हाँ, मैं जरा देता हूँ, ये बोला ए प्रोजेक्टाइल क्रॉसेस टू वॉल ऑफ इक्वल हाइट सिमेट्रिकली एज शोन। तो देखो सर, इसमें जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था ना वाला क्वेश्चन। अच्छा, वो T1 माइनस T2 वाला, T1 माइनस T2 वाला, तो उसमें रूट हमने लोगों ने लिखे थे। हाँ, आपने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक हमने T1 मान लिया था। हाँ, और यहाँ से T2 मान लिया था। हाँ, और उन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। राइट, तो अगर इसको मैं लिख लेता हूँ इसमें तो बहुत सीधे सीधे हो गया। हाँ, तो T1 हमें दे रखा है 2 सेकंड और T2 जो आपने बताया था वो कितना, 6 सेकंड दे रखा है। तो ये तो सम हो गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो अगर हमने लोग लिखे तो T इक्वल टू कितना आ गया,
T1 plus T2 तो ये तो 8 हो गया, 2 plus 6 ये आ गया 8, जो आंसर है सर इसका, आंसर इसका है फर्स्ट, आंसर आ गया अपना फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है सर। अब आगे बात करते हैं, अब ये बोला है द हाइट ऑफ वॉल इज, ठीक है, तो अब हमें से हाइट पूछी है, हाँ। तो एक बार सर इसको ऐसे कर सकते हैं अपने लोग, जैसे मान लो ये, अच्छा ये सर इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 120 ये दे रखा है, ठीक है हाँ। तो अगर अपन लोग हाइट की बात करें इसको सर, मैं देखो इस तरीके से करता हूँ, ये मान लो थीटा मैंने ले लिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास बी नॉट साइन थीटा आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सर सही है, और ये बी नॉट कॉस आ जाएगा कॉस थीटा, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो इसको मैं इस तरीके से ले सकता हूँ 2B0 साइन थीटा बाई जी, जी हाँ ले सकते हैं सर, ठीक है, तो ये तो हमें पता है, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ इससे, अच्छा अच्छा, तो ये अगर मैं लिखूंगा तो बी नॉट साइन थीटा ये आ जाएगा 2 यहाँ आएगा जी डिवाइड बाई टी, अच्छा सही है, ट्रू नहीं ये आएगा टी जी डिवाइड, ये गलत हो गया थोड़ा सा, तो ये बनेगा टी जी डिवाइड बाई टू, और टी का वैल्यू सर अभी निकल रहा था 1 और जी मान लेते हैं 10 और 2 और ये 2, तो v sin का वैल्यू आ गया 40, तो 40 आ गया हमारे पास, हां सर, अच्छा सर आपने शायद ये इसलिए किया v sin का क्योंकि अब वो हाइट पूछी है, हां और हाइट पूछी है तो अपन को वो y कंपोनेंट चाहिए, y कंपोनेंट का, और टाइम हमें दे रखा 2 सेकंड का, अच्छा तो अच्छा आपने इसलिए इस फार्मूले का यूज किया टाइम ऑफ फ्लाइट का, हां उससे कि अपन को ये जैसे अपन को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी s y = जो कि आपको h दे रखा है, हां यह आएगा v नॉट sin थीटा t माइनस हाफ जी टी, अच्छा सर ये टी तो सर ये वाला रहेगा, टी वाला ये रहेगा 2 सेकंड वाला, अच्छा तो मैं इसको 2 लिख लेता हूं, हां 2 लिख लूंगा, अच्छा ये भी 2 है 2, अच्छा 20 sin थीटा आपने 40 निकाल दिया, 40 निकाल लिया, 40 into 2 2 माइनस 10 / 2, हां और टी की वैल्यू 2 स्क्वायर हो गया, तो ये जो सर हो गया 80 माइनस इधर बचेगा 20 तो आंसर है सर 60, अच्छा ठीक है सर, तो इसका अपना आंसर है दिया हुआ ये, हाँ सर 60 दे रखा है, 60 हो गया, ठीक है सर, तो मतलब कुल मिलाकर ये था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को वाई का जो कंपोनेंट चाहिए था, हाँ। और टाइम ऑफ फ्लाइट से अपने यूज कर लिया, यूज कर लिया अपने लोगों ने, ओके सर ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो अपने लोगों ने भी करा था, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं सर नहीं नहीं सर इसने ये पूछा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टर, अच्छा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टर पूछा, हां ठीक है, तो देखो अपने लोगों ने सर अभी निकाला था, अभी सर आपने v sin थीटा निकाला था, v डॉट sin थीटा ये कितना निकाला था 40 निकाला था, हां अब मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा / 2g जी, हां बिल्कुल सर सही है सर, हां सर, तो ये अपना h मैक्स की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं, हां बिल्कुल सर, तो ये 40 × 40 डिवाइड बाई 2 × 10 तो ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल सर तो ये इसका आंसर आ गया 80 आ गया, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक तो ये हो गया सर, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड u 2g एक्सेलरेशन इंपार्टेड टू द to it which is constant in horizontal direction towards horizontal motion. वैसे सर एक बात ध्यान रखना इसमें more than one है ये. अच्छा ये more than one है क्या? अपन को एक-एक सारा चेक करना पड़ेगा. सब चेक करना पड़ेगा और मैं डेटा बता देता हूँ आपको. मैं एक बार देख डेटा लिख लेते हैं. हाँ. आपको क्या बोला सर? इसमें तो पहले देखो सर मेन बात इसमें दे रखा है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन दे रखा है, अच्छा और वो भी उसी डायरेक्शन ऑपोजिट में नहीं दे रखा, ऑपोजिट नहीं दे रखा, इसका मतलब मैं एक बार सर लिख लेता हूँ, ax आपको है वो 2g दे रखा है, 2g दे रखा है, और हाँ सर और ये u दे रखा है, ये थीटा और ये u दे रखा है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, जो जैसे अपन लोग पहले क्वेश्चन करते पहले करते हो ये, ठीक है, तो सर मैं एक बार सब डेटा लिख लेता हूँ, ux तो लिख लेता हूँ अपने पास, ये आ जाएगा cos थीटा, u cos थीटा हो जाएगा, और uy हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा, और ए वाई की बात करें तो हो जाएगा माइनस जी, माइनस जी, अब सर एक एक अब मैं एक एक आपको बताता रहा हूँ, तो इसमें पहले बोल रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए सर अपन को अब जो पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ux t + 1/2 ax t² t का स्क्वायर,
तो इसका मतलब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करना है। अच्छा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट तो इस एक्सेलरेशन से तो कुछ इफेक्ट नहीं करता, मीनिंग सिर्फ वो वर्टिकल वाले से क्योंकि वर्टिकल वाला से आता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम सीधे लिख लेते हैं। हां उसका आप लाइन लिख लो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो गया t इक्वल टू u sin थीटा / g / g। ठीक है, ठीक है सर। तो अपन सर बिल्कुल कर देते हैं ux ux आ जाएगा अपने पास u u cos थीटा cos थीटा और t की वैल्यू सर ये रख लो आप t 2u sin थीटा sin थीटा / g / g प्लस प्लस अब ax जो हमें दे रखा वो रखना पड़ेगा वो सब दे रखा है 2g 2g लिख लेते हैं इसे 2g और t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2u sin थीटा। सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें तो। हां सर नहीं सर इसमें आंसर जो है ना इसके टर्म में अपना आंसर बन सकता है। अच्छा इसमें sin 2 थीटा दे रखा और sin स्क्वायर तो ये तो sin स्क्वायर थीटा तो अपना सीधे सीधे आ गया। हां सर ठीक है और हमें क्या बनाना है sin 2 थीटा बनाना है तो ये तो cos थीटा ही तो ये sin 2 थीटा बन जाएगा सर। sin 2 थीटा बनाना ना। हां तो ये बनेगा आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा 2 थीटा / g / g एक तो ये बन गया प्लस। हां अब इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा लेकिन आपका 4 आ जाएगा। हां तो ये 4 4 u स्क्वायर u स्क्वायर और ये बचेगा sin स्क्वायर sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा / g g। अब देखो सर आंसर चेक करते हैं। अब आंसर में हमें निकालना है u स्क्वायर / g इसको पहले कॉमन ले लेते हैं सर u स्क्वायर / g कॉमन ले लेते हैं। हां तो हमें आंसर के हिसाब से सेट करना है u स्क्वायर / g तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा sin 2 थीटा 2 थीटा प्लस प्लस 4 4 sin स्क्वायर थीटा। तो सर यही आंसर दिया हुआ है इसका। अच्छा दे रखा है क्या? हाँ। तो चलो अपन आगे सॉल्व नहीं करना मतलब पहला मोर देन बना है। अच्छा सॉरी मोर देन है। हाँ। तो ये पहला हो गया ये पहला सही हो गया। हाँ। ठीक है सेकंड भी सर आप बता दीजिए एक बार इधर लिख लेते हैं इसका पहला सही है। हाँ पहला सही है ठीक है ये सही है। अब आगे बात करते हैं अपने लोग नेक्स्ट ऑप्शन बता दीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल एज इट हैव वैल्यू इन जनरल प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी। वो तो सर अपन पहले बोल दिए कि तो वो होगा ही होगा वाला तो मैं कुछ जानेगा नहीं तो टाइम ऑफ लाइट तो होगा वही रहेगा तो सही इसका मतलब फिर दूसरा भी सही होगा। दूसरा भी सही है इधर मैं लिख देता हूं एक बार। हां ए सही है और बी सही है। ठीक है अब ये बोला हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा / 2g मतलब ये तीसरा भी सही है। तीसरा भी सही है क्योंकि जो भी सर चेंज आएगा वो वर्टिकल में आएगा हॉरिजॉन्टल में तो कोई सॉरी जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आएगा वर्टिकल में नहीं आएगा वर्टिकल में वही रहेगा। हाँ तो ये भी सही है अपना है ये तो मतलब फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि ये वो का भी क्वेश्चन है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ नीचे सिक्स दे रहेगा ये रॉन्ग हो गया तो ये गलत हो गया तो इसका मतलब 1, 2 और 3 इसका आंसर हो गया। सही है सर। ठीक है सर आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े 16 क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन ए प्रोजेक्टाइल इज मूविंग एट 30 डिग्री एट द हॉरिजॉन्टल After one more second, it is given horizontally. तो देखो सर इसमें मैं एक बार सर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। हां हां इन्होंने बोला कि यहां जिससे भी फेंका है लेकिन 2 सेकंड के बाद ये 30 डिग्री पे चल रहा है बन जाता है और फिर 1 सेकंड के और बाद ही हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो सर कुल मिलाकर बात ये है कि इमेजिन हाइट पर जाने में इसको 3 सेकंड लगते हैं तो अगर देखो सर अब हम लोग 3 सेकंड तो ये लग ही रहे हैं। हां तो उतना उतरने में भी सो टाइम लगेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट 6 बोल देते हैं। हां ये बात सही है ये तो हमें एक डेटा मिल ही गया और देख लेते हैं और आगे बात कर लेते हैं हम लोग। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जैसे फर्स्ट ऑप्शन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मोर देन करेक्टनेस में सब चेक करने पड़ेंगे हम लोग। हां नहीं एक ही करते हैं सर पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री ये वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे एंगल हमारा कम कम होता जाएगा स्टार्ट में कम होता जाएगा। ठीक है तो ये तो रॉन्ग हो गया सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं वो सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है तो ये हाँ पहला तो रॉन्ग हो गया। हाँ अब ये बोला है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा तो अब इसको क्या करते हैं ना जैसे ये तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बराबर ही बराबर रहेंगे वो तो बराबर रहेंगे सर। ठीक है तो एक काम करते हैं यहाँ पे बी मान लेते हैं यहाँ पे यू मान लेते हैं मैं करूँ आप चलो आपके जैसे अगर आपने लोग इसको बनाए ये तो आपने बता दिया कि टाइम कितना हो गया 6 हो गया। अब अगर इसको अपने लोग सॉल्व कर लेते हैं तो मैं मान लो सर यहाँ मान लेता हूँ 30 डिग्री है। हाँ बिल्कुल सर तो ये बी हो गया ये 30 डिग्री हो गया इसको तो मैं ले सकता हूँ बी कॉस 30 डिग्री और ये दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो वेलोसिटी तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट तो बताई दिया तो मैं इससे ये b sin थीटा कंपोनेंट निकाल सकता हूं u sin थीटा बिल्कुल सर। एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। हां टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u sin थीटा / g / g
तो सर ये अपने पास सिक्स दे रखा है, सिक्स हो गया, टू को इधर लेकर आता हूँ, टू आ गया, ये आपके पास आ गया यू साइन थीटा और यहाँ जी आ गया, तो यू साइन थीटा का वैल्यू सर आ रहा है 30 डिग्री, ये तो 30 डिग्री आ गया, ठीक है, तो मतलब आधा काम तो हो ही गया, आधा काम हो गया। अब आगे बात, अभी आप चेक करते हैं, अब पहले अब हमें बात करनी है यू कॉस थीटा की, हाँ ठीक है, तो यू कॉस थीटा क्या होगा, वी कॉस 30 के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होंगे, ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं बी कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा, सही है सर, एक बार सर वो वाला पेज लगा लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमने पेज की, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसमें एक डेटा तो हमें ये कि यहां से यहां तक जाने में इसको दो सेकंड लग रहे हैं, दो सेकंड लग रहे हैं, तो अगर मैं इसमें वर्टिकल के लिए बी वाई वाला फॉर्मूला लगा दूं, बी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी वाला, हाँ बिल्कुल, हाँ तो उससे आ जाएगा, एग्रीगेशन वहां से मिल जाएगी, तो अगर मैं लिखूं बी वाई यू वाई माइनस का जी इंटू टी, क्योंकि ये ए वाई तो हो ही जाएगा, हाँ उसको मैंने सीधे लिख दिया, सर इसमें अपन एक फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, कौन सा वाला, अपन अपन ये एंगल 30 दे रखा है, हाँ वी सेंटर आ गया है, मतलब एक्स कंपोनेंट आ गया है, ठीक है, ओरिजिनल कंपोनेंट निकलना है, तो अपन सर ये करें तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स, हाँ ये भी कर सकते हैं, तो टेन 30 सर कितना रहेगा, जो आपको जो दे रखा है कौन सा है ये बी वाई, ये तो हमारे पास आया है, ये इनिशियल के लिए, फाइनल तो हमें निकालना पड़ेगा सर यहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फाइनल निकाल, हाँ तो नहीं मैं बोलो आप वी वाई यहाँ से निकाल लो ना, हाँ हाँ मैं आपको टू सेकंड बाद ये वी वाई बताइए, तो आपको ये यू वाई ये दे रखा है, यू वाई है हमारे पास, वो आपने निकाला 30 डिग्री, तो ये 30 रख दो, 30 माइनस माइनस जी 10 हो गया और टाइम रख दो टू सेकंड, हाँ तो ये सर आ गया अपने पास 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया, तो मैं ये बोल रहा था अपने यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं, हाँ इसको यूज कर लो, यूज कर लो, तो सर ये कितना आ गया 10 10 डिवाइड बाय ये वी एक्स, तो अपने पास सर यहाँ से वी एक्स आ गया 10 10 अंडर रूट 3, अच्छा मतलब आप इससे हमारे पास आप बोल रहे थे यू कॉस थीटा सीधा आ जाएगा, यू कॉस थीटा सीधा आ जाएगा, तो ये अपने पास आ गया यू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 रूट 3। अब हमसे अब देखो सर एक बार जरा, अब अपन को सर स्पीड वो पूछी है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी पूछी है, प्रोजेक्टाइल तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी सर अपन सीधे सीधे है कि दोनों ऐड कर लेते हैं, यू साइन स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर, हां इसको ऐड कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है इज इक्वल टू 10 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, ये 900 प्लस 3 1200 बन जाएगा, मतलब 1200 बन जाएगा, 1200 बन जाएगा सर, ठीक है अब इसका रूट ले लेते हैं, तो रूट 3 3 इंटू 20 20 एक बार चेक करो सर, ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन था सर ये, हाँ सर 20 रूट 3 सेकंड ऑप्शन है, वो उसका दे रखा है, सही है, तो मतलब सेकंड आंसर अपना सही है, आगे आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं, अब ये बोला वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी 40 मीटर पर सेकंड, अभी बोलना चाह रहा है कि वेलोसिटी किसी टाइम पर 40 रहेगी या नहीं रहेगी, किसी इंस्टेंट पर, एट एनी टाइम बोला है, हाँ किस टाइम, अपन को पता है सर कि ओरिजिनल जो वेलोसिटी है वो अपने अभी फाइंड की है, वो करी थी अपने लोगों ने फाइंड करी थी 10 अंडर रूट 3 10 अंडर रूट 3 ये ux फाइंड की थी, हाँ और ये uy आपने फाइंड करी थी 30 यू करते 30 ठीक, इसका मतलब अपना इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये भी सर इनिशियल वेलोसिटी आ गई थी, ये आएगी 20 रूट 3, अच्छा तो सीधी सी बात है स्पीड इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा होगी नहीं, तो ये तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो इसको ठीक करना नहीं है, अब ये बोला है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज सर यूएक्स भी आ रखा है यूआई भी आ रखा है, टाइम ऑफ सब कुछ पता ही है, तो लिख देते हैं अपन रेंज का फार्मूला लिख लेते हैं, r इक्वल टू 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 यू साइन थीटा साइन थीटा यू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी डिवाइड बाय जी जी, अपने पास वैल्यू पता ही है यू यू साइन थीटा सर निकाला था सर, यू साइन थीटा मतलब ये बाय 3 नहीं 2 सॉरी ये 30 आया था, वो 30 आया था, ये तो फाइनल लिखा हम लोगों 30 और 10 अंडर रूट 3 10 रूट 3 डिवाइड बाय 10, एक बार सॉल्व करो सर, तो ये 10 से 10 कट गया, तो ये सर आ गया 60 आ गया 60 रूट 3, इसका मतलब आंसर 4th में राइट है, तो मतलब इसके आंसर होगा सर एक ये हो गया आ गया और एक ये सेकंड और फोर्थ आंसर होगा सर, ठीक है सर, ओके सर, अब आगे बात करता है, ये बोला ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी यू टू आई प्लस थ्री जे है, हाँ ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है,
एक्सेलरेशन आपको ये दे रखा है, तो पाथ इज पूछा है कि इसका पाथ कौन सा रहेगा, पाथ कौन सा मिलेगा। तो सर अपन इसकी सीधी इक्वेशन लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सीधा सर मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, मैं ऐसे जैसे इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, वाई जे ठीक है। तो यू एक्स ये मेरा टू वाई, या अपन सीधा वैल्यू सेट में लिख लेते हैं वी टी प्लस हाफ जी टी ए, ठीक है ठीक है। तो अपने पास एस एक्स जो आ गया वो आ गया वी कितना सर, टू टू टी आई कैप, हाँ प्लस थ्री टी जे कैप, जे कैप प्लस हाफ ए है, ए दे रखा है ये रहा वन, हाँ वन, तो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ठीक है, आई कैप प्लस फोर फोर टी स्क्वायर जे कैप, ये आ गया। तो अपन सर इसे कंपेरिज करें तो अपने पास एक्स आ गया टू टी प्लस टी स्क्वायर बाई टू टू, और मैं इसको एमीटर लेता हूँ, और y जो आ रहा है y आ जाएगा 3t प्लस प्लस हाफ हाफ और फोर से करेंगे तो ये जाएगा, हाँ, 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर आ जाएगा, 2t स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। ये सर अपना आ गया, अपन एक एक करके इसको चेक कर लेते हैं। तो अच्छा पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये बोला था पाथ पाथ इज पैराबोलिक, पैराबोलिक अब तो सर अपन एक तो चीज जानते हैं पैराबोलिक के बारे में, इसको इक्वेशन को सॉल्व किए बिना भी अपन बता सकते हैं कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल रहता है, एंगल रहता है तो प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल होता है और उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो सर ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है ये पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है, एक एंगल पे है, इसका कुछ ना कुछ एंगल है। तो पहला ऑप्शन तो सर अपन सीधे बोल लें, हाँ ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे सीधे हो गया, और भी करना चाहते सर अपन कर सकते हैं, इसे टी एलिमिनेट करके, टी एलिमिनेट करके कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक बनती पैराबोला होगा, पैराबोला होगी ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सेकंड गलत हो गया, इट्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो पोजीशन सर पूछी है टी इक्वल वन सेकंड पर, तो अपन क्या करते हैं इसमें ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं सर सीधे, हाँ वो वाली कर लेते हैं, हाँ इसको यूज करके सर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एस एक्स वन का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा टू 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 आई कैप, टू आई कैप प्लस थ्री थ्री जे कैप, फिर इधर आएगा वो आ जाएगा हाफ हाफ आई आई कैप प्लस प्लस टू, नहीं टू तो इधर कॉमन है, हाँ सर फोर ही पड़ेगा, तो ये फोर आ जाएगा, फोर आ गया, फोर जी का, हाँ फोर जी का, तो अपने पास आ गया ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, 2.5 आई का प्लस 5 जी, प्लस 5 जी का, जी का ये तो सही हो गया, हाँ ठीक है। अब उन्होंने पूछा स्पीड, ने बोला स्पीड, स्पीड के लिए सर अपन ये वाला यूज कर लेते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर यू प्लस एटी एटी ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जैसे जो यू दिया हुआ है हमारे पास ये कितना दिया हुआ है 2i, 2i कैप प्लस 3j कैप, 3j कैप ठीक है सर, हाँ सर, और a की वैल्यू रख देते हैं, और टाइम सर 1 सेकंड है तो सीधे सीधा वैल्यू पुट करते हैं अपन, अच्छा यहाँ पे 1 लिख देते हैं, हाँ 1 लिख लेते हैं ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 2 प्लस 1 2 प्लस 3i कैप, 3i कैप, और ये हो गया 7j कैप। अब इसमें हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है सर, अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अपन लास्ट कर लेते हैं स्पीड का जो रहेगा सर, तो वो रहेगा ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का ये, हाँ ये आ जाएगा, तो ये 9 प्लस 14 प्लस 49, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ठीक है सर, ठीक है सर, तो ये भी ऑप्शन सही है सर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये बोला द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज बाई इक्वल टू एक्स ब्रेक, आपको अपन को सर प्रोजेक्टाइल इसमें इक्वेशन दे रखी है, हाँ, और अपन को रेंज एंगल, सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन इसको बहुत यूनिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे, अपन सर फॉर्मूला नहीं रटाएंगे इसको, ठीक है, मतलब जहां पर कोशिश करेंगे अपन उसका बेसिक समझ सके, ठीक है। तो सर ये आपको दे रखा है वाई और ये एक्स, एक्स दे रखा है ठीक है, और ये पार्टिकल ऐसे जाएगा ठीक है, पैराबोलिक, अब उन्होंने क्योंकि वो दे रखा है पैराबोलिक पाथ है ट्रेजेक्ट्री हॉरिजॉन्टल रेंज इज, अब सर अपन क्या करना चाहिए यहाँ पर, एक तो अपन वो फॉर्मूला यूज करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अपन यूज कर सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आर जीरो, ठीक है, जहां पर वो हिट करेगा जो रेंज होगी, इसका मतलब क्या करना है, एक्स को तो रख लेते अपन आर, एक्स को आर रख लेते, वाई को रख देते जीरो, तो जीरो इक्वल टू आर वन माइनस आर, वन माइनस आर,
तो इसको सॉल्व किया तो आर का वैल्यू आ गया 1 मीटर। आर का वैल्यू 1 तो मतलब ये पहला सही हो गया, पहला सही हो गया। अच्छा तो भागवत सर आप जैसा बता रहे थे उसमें मतलब ये मतलब आपने क्या करा, बाइक को जीरो कर दिया, बाइक डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, बाइक को जीरो कर दिया मतलब इक्वेशन, क्योंकि ये तो इक्वेशन फॉलो कर रही है तो अपने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है एक तो सर अपन वो कर सकते थे कंपैरिजन करना, या तो वो इक्वेशन लिख ले बाइक को एक्स, वो भी लिख लेता हूं एक बार, लिख दीजिए इससे बच्चों कंफ्यूज ना हो। बाइक इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा टेन थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर, इससे भी सर आई जाएगा। हाँ इससे कंपैरिजन करें तो आई जाएगा इसमें। हाँ कर लेते हैं सर कंपैरिजन एक बार, कर लेते फिर क्योंकि हमें आगे प्रोजेक्शन एंगल भी पता कर। तो वाई इज इक्वल टू एक बार ये हो गया एक्स को कॉमन ले लो तो एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर ठीक है। तो इसमें से यदि एक्स का कोएफिशिएंट याद हो सर 1 है तो tan थीटा आ जाएगा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ऐसे कर लो सर, ठीक है ठीक है, या मैंने नीचे 1 लिख दिया तो अपना कंपैरिजन इजी हो गया। इस बार से कंपैरिजन किया तो अब तो सब कुछ इस एक बार में आ जाएगा। हां सर तो tan थीटा हमारे पास ये 1 लिखा आपने तो ये tan थीटा तो 1 ही हो गया बिल्कुल, तो आंसर आ गया 1 आ गया। एक बार लिख लेते हैं सर एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए उनको ये पता है कंपैरिजन कर लिया tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू इक्वल 1 तो थीटा हो गया 45। अच्छा इसमें ये तो हो ही सकता ना, मैंने सर अभी जो प्रोजेक्टर वाला किया था वहां पे अपन कर सकते हैं कैसे, देखो अपन को ये वाला एंगल चाहिए, ये क्या रहेगा dy / dx कहां पर x = 0 पर, ठीक है तो सर इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं dy / dx ठीक है तो कितना आ जाएगा अपने पास वो इक्वेशन है 1 - 2x, अपन को किस टाइम पर चाहिए x 0 पर, x = 0 पर वो कितना आ गया 1। ये तो और आसान है, वो और आ गया मतलब इसमें फार्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं, जो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये दो ही थे दो तो वैसे रॉन्ग हो गए क्योंकि वो क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। ठीक है तो सर ये वाला हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 बोला है, ये भी मोर देन बन कर मोर देन है, इफ द ग्रेटेस्ट हाइट टू व्हिच द मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज h, ये बोला है कि मैक्सिमम हाइट जहां तक वो थ्रो कर सकता है तो मैन कैन थ्रो तो मैं तो सर ऐसे भी फेंक सकता है ऐसे भी थ्रो कर सकता है, मैं तो मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, वर्टिकली फेंकना पड़ेगा सीधे। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा इसमें अपन कभी गए यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम हाइट का मतलब वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ए वर्ड है ना इसलिए अपन फॉर्मूला कौन सा लगाए कैन थ्रो, तो वो तो कैसे भी फेंके तो मैक्सिमम जो तब फेंका जब साइन थीटा का मैक्सिमम होगा, तो हाइट आपको जो दे रखी है वो दे रखी है यू स्क्वायर बाई 2g बाई 2 जी। अच्छा अब इसमें सर हमसे बोला गया मगर इसमें ग्रेटेस्ट हाइट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है। अच्छा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब यदि h है तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितनी रहेगी, कितनी होगी मतलब रेंज मैक्सिमम कितनी रहेगी। ठीक है तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा / g जी, लेकिन इन्होंने बताया कि ये ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है तो इसके लिए हम लोग पढ़ाते ही हैं कि मतलब थीटा 45 है तो r का मैक्सिमम वैल्यू है वो सर हो जाएगा u² जी जी। अब यदि यहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 2h आ गया 2h, तो सर चेक कर लो सर, ये सही दे रहेगा सर, एक बार मैं चेक कर लेता हूं सर। तो पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन सही है ठीक है। चलो सर दूसरा सेकंड ऑप्शन, दूसरे की बात करते हैं। ये बोला द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन हुज रेंज इज रेंज r इज n टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तो सर अपन सीधे से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है u² 2 टाइम ऑफ sin थीटा cos theta by g g और ये n u² sin square theta by 2g तो आंसर हमें सर 10 मिलेगा ना। हाँ सर 10 बिल्कुल 10 मिलेगा ना, तो इसको sin से मैं ये sin को काट दिया u से u² को u² कट जाएगा u² कट गया ये आ गया 4 ये सब 2 इधर कर लेता हूं मैं। हाँ 4 by n और ये sin theta divided by cos theta हो गया सर ये 10 theta theta तो इनवर्स में आप निकाल लेंगे तो ये भी ऑप्शन सही है सर। तो सही इक्वल टू हां थीटा इक्वल टू आ रहा है tan inverse माइनस 4/n ठीक है सर। तो ये ऑप्शन सही है ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं सर। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है नहीं ये है क्वेश्चन नंबर 19। हां इसमें बोल रहा है द टाइम ऑफ लाइट टी एन ओरिजिनल रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टर का कनेक्टेड बाय इक्वेशन इस फार्मूले से कनेक्टेड है या नहीं है। हां मतलब ये बोलना चाह रहा है कि gt² जो है वो 2r tan थीटा होता है नहीं होता है तो सर अपन चेक कर लेते हैं इसमें तो सिंपल सा कर लेते हैं। हां तो चेक कर लेते हैं सर एक बार एक बार इसको भाग सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। हां सर जैसे मान लो ये हमारे पास 2r को मैं इधर ले आऊं। हां सर तो अगर ये इसको सॉल्व करने के बाद tan थीटा बच गया तब भी सही हो जाएगा। हां सर बिल्कुल तो करो एक बार ऐसे कर लो जी ठीक आप बोलिए तो वही कर लेते हैं। हां 2u 2
यू साइन थीटा बाई जी बाई जी, इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर इज इक्वल टू 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 आर आर का यू स्क्वायर, तो अपन सर वो कर लेते टू वो वाला फॉर्मूला कर लेते हैं, आप टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी जी टेन थीटा, यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो सही है, ऑप्शन सही है। तो अब सर देखो ये देखो सर ये जी है, जी स्क्वायर है ठीक है, तो यहाँ पीछे जी बचेगा तो ये जी से जी से ही गया, तो ये जी भी कैंसिल हो गया ठीक है, अब ये हो जाएगा फोर टू का स्क्वायर, ये फोर हो ही रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब इधर बचता है साइन स्क्वायर थीटा, एक बार लिख लेते हैं सर, हाँ सर एक बार लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा और सर टेन थीटा को लिख लेते हैं साइन डिवाइड बाय कॉस, कॉस थीटा सेम टाइम पीरियड देन द रेशियो ऑफ हाइट अटेंड बाई द टू बॉल्स, मतलब सर इसमें बोल रहा है कि मतलब एक बॉल को वर्टिकल से थीटा एंगल पे फेंका गया है, एक को वर्टिकल से थीटा एंगल फेंका गया और एक को सीधा वर्टिकली फेंका गया, एक को वर्टिकल फेंका गया ठीक है, तो और ये इन दोनों को बता दिया कि इनका जो टाइम ऑफ लाइट है ना दोनों का सेम है, अच्छा ठीक है, और इसमें हमसे बोला है तो दोनों गेंदों द्वारा प्राप्त ऊंचाई का अनुपात, मतलब एच वन एच टू का रेशियो पता करना है, रेंज ऑफ द हाइट अटेंड बाय द, अच्छा आपको अपन को दे रखा है कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल साइज है, मतलब दोनों का सेम टाइम, अच्छा अच्छा पीरियड, तो अपन का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला ही है टू U sin theta divided by G, ठीक है ये दे रखा है, हाँ तो अब अपन को दे रखा है कि एक हमें वर्टिकल फेंकी गई है, अच्छा अपन थीटा अलग अलग है, नहीं नहीं एक तो सीधा एक ये तो थीटा एंगल फेंकी गई है, हाँ और एक वर्टिकल सीधे फेंकी है 90 डिग्री पे, मतलब कुल मिलाकर अपन को टाइम ऑफ फ्लाइट सेम दे रखा है, हाँ टी वन इक्वल टू टी टू दे रखा है, टी वन इक्वल टू टी टू दे रखा है, स्पीड अलग अलग दे रही है सेम दे रखी है, नहीं इसमें स्पीड के बारे में कुछ, अच्छा स्पीड के बारे में कुछ नहीं, चलो फिर आगे क्या सर पूछा है, तो ये बोल रहा है उनकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, हाँ तो उनका रेशियो निकालना है, हाइट वन फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई वन आई जो हाइट वन है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा सर, यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, टू जी तो मैं सर ऐसे बोल लूँ क्या कि यू वन साइन थीटा वन, ठीक है अब जिस सीधा फेंका तो थीटा वन नाइंटी हो जाएगा, इसमें नाइंटी हो जाएगा, आपको दे रखा है यू वन साइन थीटा टू दोनों बराबर दे रखा है, ठीक है तो मतलब इसमें तो फिर इसमें आगे सेम आगे, तो मतलब आप बोलोगे अगर मैं H2 अगर लिखूंगा यहाँ पे, हाँ तो H2 भी U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू थीटा टू बाई टू जी बाई टू जी, और यहाँ पे जो थीटा दे रखा है यहाँ पे 90 दे रखा है, एक का कम एक का ज्यादा है, लेकिन अपना ये बराबर ये हमने जनरल बता दिया, इससे सब क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है सर, तो ये मतलब चौथा आंसर भी अपना सही है, सही ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, ये बोला है ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, मूव्स इन एक्स वाई विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, द इक्वेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इसमें हमें सब चेक करने हैं, सब चेक करने हैं, तो एक बार सर अपन लिख लेते हैं वाई इक्वल टू ये बोला है कि उसका एक्सेलरेशन वो उसी डायरेक्शन में नेगेटिव है, मतलब जो हमेशा होता वही होता है, और वो एक्सेलरेशन देने रखा तो अपन इससे साथ कंपैरिजन कर सकते हो, आप जो बोल रहे हो मतलब बोल दिया कि एक्सेलरेशन अंडर मतलब जी है अंडर ग्रेविटी है और अंडर ग्रेविटी है, ठीक है तो अपन सीधा सीधा कर सकते हैं, तो इसको कंपेयर लिख लेते हैं, एक बार में इक्वेशन लिख देता हूं सर, तो इसको अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं बात करूं तो y इक्वल टू सीधे मैं ये लिख सकता हूं सर, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर सही है, बिल्कुल तो यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं tan थीटा तो आ जाएगा हमारे पास, अच्छा सर पहला ऑप्शन तो मैं सीधे सॉल्व कर लेते हैं, द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, हाँ तो वो तो रहेगा क्योंकि ओरिजिनल ने बोला नहीं है, तो ये तो वैसे राइट हो गया, एट द ओरिजिन द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो एट द ओरिजिन y कंपोनेंट, तो मतलब अब जो हमने ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें आप लोग ये मान के चलते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको यहां से थीटा एंगल में फेंका जाता है, हाँ बिल्कुल, तो यहां पे आता है हमारे पास अगर मान लो ये u है
तो इधर आता है यू साइन थीटा, तो इसका मतलब सर इन्होंने यू साइन थीटा पूछा है। हाँ, यू साइन थीटा क्या रहेगा, वो भी ओरिजिन पूछा तो इनिशियली पूछा है, इनिशियली पूछा है। तो अपन सर अपन थोड़ा कंपैरिजन कर लो वहां पर। हां, मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, मैं सर लिख लेता हूं यहां पर। तो ये tan थीटा आ जाएगा a, और tan थीटा आ जाएगा अपने पास a a, और ये जो वैल्यू आएगी हाफ g u स्क्वायर प्लस, मैं एक बार सर लिख लूं। हां, एक बार g u स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू सर इसको आप यहाँ से यू कॉस थीटा लिख लेते हैं, यू कॉस थीटा लिख लेते हैं। अगर अपने लोग यहां से लिख लेते हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा g अपॉन 2b सर, सही है? बिल्कुल सर, ये हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं। और अगर मैं यहां से लिख लेता हूं u cos थीटा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। बिल्कुल सर, क्यों g अपॉन 2b, तो हमें आंसर इसी फॉर्म में सब दे रखे हैं। अच्छा अच्छा, मैं एक बार ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, अब हमें क्या चाहिए, और जो tan थीटा दे रखा है वो हमें दे रखा है a, ठीक है। तो अगर मैं ये इक्वेशन डाल दूं सेकंड, और ये मान लेता हूं मैं थर्ड, तो हमें क्या चाहिए, u sin थीटा चाहिए सिंपल सर। हां बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये अगर आप लिखोगे u sin थीटा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं सर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये tan थीटा क्या आ गया हमारे पास, sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो मैं सर कर लूं यहां पर। हां, ये वाला लिख लीजिए, उन दोनों मल्टीप्लाई करना है ना सर। हां मल्टीप्लाई, तो u cos थीटा tan थीटा सर यहीं लिख लो, तो सीधे सीधा हां sin थीटा cos थीटा cos थीटा, ये सर अपने पास आ गया a a g 2b अंडर रूट में ठीक है। तो ये सर अपने पास आ गया u sin sin थीटा, यही पूछा है हमसे, a b 2b, एक बार आंसर चेक करिए सर वो। तो सर ये तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, मतलब हां सर ये दे रखा है, ये दे रखा है सर, राइट हो गया। तो ये अपना आंसर राइट हो गया, आंसर राइट हो गया सर, ठीक है ठीक है सर। आगे तो इसको मिटा दो सर। हां, अपन थर्ड क्वेश्चन, एट द ओरिजिन द वेलोसिटी मेक्स द एंगल tan इनवर्स विद, ये तो अपन सर अभी कर लिया, अभी लिखा है थीटा tan थीटा इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा था अभी tan थीटा इक्वल टू, लिखा तो a लिख दिया था तो आ गया। हां, तो थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स a आ गया, तो मतलब इसका कौन-कौन सा सही होगा सर, ये भी सही हो गया है, ये भी सही हो गया, ये भी सही होगा, ये भी सही होना ही है, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है पार्टिकल मूव एग्जैक्टली लाइक द प्रोजेक्टर, क्योंकि ये हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा लिए थे, सो दैट कि आपको एमसीक्यू को डील कर सको, एक एक क्वेश्चन को चेक करना, ऑप्शन को चेक करना होता है, और 20 क्वेश्चन सर अपने हो ही गए, अपने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया इसके अंदर, सब कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, सब कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टर के जितने भी थे, इसमें सर अपने रिलेटिव मोशन भी एक जगह लिया है, पाथ भी लिया है, तो ऑलमोस्ट हमने सारा कॉन्सेप्ट इसमें लिया, इक्वेशन भी अपने लोगों ने लिए, तो सारा कवर हो गया। ठीक है, थैंक यू।